गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और पेंडिंग रिजल्ट कब तक पब्लिश होंगे और जिनके रिजल्ट पर इनवैलिड लिखा आ रहा है वो कब पब्लिश होंगे। तो सबसे पहले हम फाइनल रिजल्ट वाले पेज पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। और ये हम फाइनल रिजल्ट वाले पेज पर पहुँच गए। सबसे पहले ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये 23 को सिलेक्ट करेंगे, मंथ पे क्लिक करेंगे दिसंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, कोस्टा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, पास कोर्स और CBSE न्यू। सबसे पहले पास कोर्स पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सभी क्लासेज शो होने लग पाएंगी जिन जिन क्लासेज का और सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो पास कोर्स वाली साइड टोटल 100% में से 80% क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। जी हाँ, 80% क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं और जितने भी 20% क्लासेस के रिजल्ट पेंडिंग है वो इसी मंथ में पब्लिश हो जाएंगे, अप्रैल मंथ में ही। और जिन क्लासेस के स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर इनवैलिड लिखा आ रहा है तो उनका मतलब है कि आपका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपका रिजल्ट 15 दिनों के अंदर अंदर पब्लिश हो जाएगा कभी भी, तो आप चेक करते रहें। उसके बाद बात करते हैं CBSE न्यू वाली साइड, तो इस साइड भी टोटल 80% क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं और जो जितने भी पेंडिंग 20% क्लासेस के रिजल्ट हैं वो इसी मंथ में पब्लिश हो जाएंगे, अप्रैल मंथ में ही। तो यही अपडेट है अभी तक आपके रिजल्ट को लेकर। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।